आ रहा है और इसी के साथ आप देख पा रहे हैं विकास खंड भरपुर में जितने भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं उनके निर्माण कार्य का आज लोकार्पण माननीय मंत्री द्वारा किया गया। जोरदार तालियां। आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी महोदय, आदरणीय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय, आदरणीय उप जिलाधिकारी सदर महोदय एवं अन्य अधिकारीगण यहां पर उपस्थित हैं। पत्र वितरण कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी सहकारिता विभाग उत्तर प्रदेश और माननीय प्रभारी मंत्री जी जनपद फरुखाबाद। एक बार जोरदार तालियों से उनका पुनः स्वागत वंदन अभिनंदन। क्या था, क्या देखा आप जिले में? सामान्य रूप से हमारी सरकार की सोच है कि जो विकास की चीजें हैं वो धरातल पर उतरे और धरातल को उतरने के लिए आवश्यक है कि वो मौके पर वो देखी जाए। हमारे सारे जनप्रतिनिधि माननीय सांसद जी माननीय विधायक जी ये सारे लोग भी मौके पर जाकर सारी चीजों को देखते हैं। साथ ही साथ कभी बजट साल में एक बार आता था और उसी समय बजट का डिस्पोजल हो जाता था एक महीने में। अब हम बजट को बराबर अलग अलग महीनों में बेचते हैं, माने 3 किस्तों में 4 किस्तों में बेचते हैं और काम कितना हुआ इसकी मॉनिटरिंग करते हैं ताकि धरातल पर काम दिखाई दे। राहुल गांधी ट्विटर की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं कि संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? हम गांव के विकास की चर्चा करते हैं, राहुल गांधी जो चाहे वो कहें, हमको तो गांव को उठाना है, गांव का विकास करना है। मैं पुनः खंड विकास अधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में माननीय विधायक जी से माननीय विधायक से कि विकास खंड भरपुर में सर्वप्रथम COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी में हमारे इस विकास खंड भरपुर करने की कृपा करें, पर जोरदार तालियां। और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार को हमारे बीच में एक जागरूक नागरिक एक आम नागरिक श्री अली मोहम्मद जी जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। श्री अली मोहम्मद जी नहीं है उनकी श्रीमती रूबी पत्नी श्री आसमीन। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के लाभार्थियों को जो स्वीकृति पत्र प्रदान किया जाना है उनके नाम है।